12th चैप्टर दंती द्रवंती कल्पम। तो अब हम दंती और द्रवंती की फार्मास्यूटिक्स प्रिपरेशन देखेंगे। यहाँ पे दो ड्रग्स की बात की गई है, दंती और द्रवंती। खास तौर पर ध्यान रखना है कि दंती से हमें गुजराती लोकल लैंग्वेज में जो दांती के नाम से जाना जाता है और हिंदी में उसको दंती ही बोला जाता है, उसको लेना है। और द्रवंती में देर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। कई लोग द्रवंती से जयपाल का ग्रहण करते हैं, कई लोग रतन ज्योत का करते हैं, लेकिन रतन ज्योत मेरे हिसाब से ज़्यादा फिट बैठता है द्रवंती में। अथा तो दंती द्रवंती कल्पम व्याख्या श्याम हो इतिहास महाभगवान आत्रेय। अब हम दंती और द्रवंती की फार्मास्यूटिक्स प्रिपरेशन का व्याख्यान करेंगे, ऐसा भगवान आत्रेय ने अपने अग्निवेशादी षठ शिष्यों को बताया। सबसे पहले उसका सिनोनिम्स देखते हैं। तो दंती के सिनोनिम्स में बताया है दंती उदुम्बरपर्णी। सबसे पहला उसका सिनोनिम है दंती। दंती यानी कि जो दाम्यती गुदंकुरान कुष्ठादय, यानी कि जो अर्श और कुष्ठ आदि स्किन डिजीज को दामन करती है यानी कि नाश करती है, इसको दंती बोला गया। सेकंड उसका सिनोनिम है उदुम्बरपर्णी, यानी कि उसका जो लीव्स है वो उदुम्बर के समान है, इसलिए उसको उदुम्बरपर्णी बोला गया है। थर्ड वन है निकुंभ, यानी कि निकुंभ यानी कि नाश करना, तो जो कुष्ठ है आदि स्किन डिजीज को नाश करती है तो उसको निकुंभ बोला गया है। और फोर्थ वन है मुकुलक, यानी कि जो शरीर को सुंदर बनाती है स्किन डिजीज को दूर करके, तो उसको मुकुलक बोला गया। अब द्रवंती के सिनोनिम्स देखते हैं। तो सबसे पहले द्रवंती नाम चित्रा। चित्रा से आपको पता चल जाता है कि कहीं उसमें का ऊपर ड्राइंग होता है, ऐसा कुछ होगा, तो उसका जो लीव्स है वो कलरफुल होता है, चित्र विचित्र होता है, इसलिए उसका एक सिनोनिम है चित्रा। सेकंड वन न्यग्रोधी, तो यानी कि न्यग्रोध के समान जो है वट के समान, तो इसमें जो द्रवंती है उसका मूल जो है वो ज़्यादा होता है, इसलिए उसको न्यग्रोधी बोला गया। थर्ड वन है मूषिकाया, मूषिक यानी कि रेड के जो ईयर होते हैं उसके समान उसके लीव्स होते हैं, इसलिए उसको मूषिकाया बोला गया। तथा मूषिक पर्ण यानी कि मूषिक के समान जो इसका लीव्स होता है मूषिक के ईयर के समान। चप्यु उपचित्रा, यानी कि जो उसका लीव्स होता है वो चित्र विचित्र होता है, इसलिए उसको उपचित्रा बोला गया है। उसके बाद है शंबरी, शंबरी यानी कि जो दाह का नाश करता है उसको शंबरी बोला गया है। प्रत्येक श्रेणी यानी कि जो लीव्स होता है वो एक सीक्वेंस में रहता है और आगे पीछे रहता है, तो उसको प्रत्येक श्रेणी बोला गया है। सूत श्रेणी सेम वे वो एक लाइन में रहते हैं लीव्स, इसलिए उसको बोला गया है दंतिश्च। और आगे है रंडा और चंडा पर्याय यानी कि रम्यंते इति, जो उसका सेवन से सुख प्राप्त होता है, तो उसको चंडा बोला गया। और लास्ट च कीर्तिता, तो ये सारे द्रवंती के सिनोनिम्स हैं। अब उसके रूट्स, यूजफुल पार्ट जो है उसका रूट है। अब उसकी कलेक्शन मेथड देखते हैं दंती और द्रवंती। तयो मूलानि संग्रह्य, यानी कि उसका जो रूट है उसको संग्रह करना है। कैसा रूट लेना है? स्थिराणि बहलानिश्च, स्थिर हो यानी कि जो बड़ा हो और बहल यानी कि जो हैवी हो। हस्तिदंत प्रकाराणि यानी कि जो हाथी के दांत के समान उसका शेप हो ऐसा लेना है। श्यावस ताम्राणी यानी कि वो डार्क ब्राउन कलर का हो और कॉपर इन कलर का हो ऐसा बुद्धिमान यानी कि बुद्धिमान वेद को ऐसा रूट को ग्रहण करना है। अब उसको कलेक्ट करने के बाद उसका सबसे पहले क्या करेगा, संशोधन करना पड़ेगा, उसके बाद वो मेडिसिनल यूज में आएगा, तो उसका संशोधन किस हिसाब से करना है। पिपली मधुलिप्तानी यानी कि जो रूट का ग्रहण किया है उसके ऊपर पिपली और मधु यानी कि शहद का लेपन कर देना है। स्वेदयित मृत कुशांतर, उसका लेपन करने के बाद कुश का आवरण करके उसके ऊपर मिट्टी का आवरण कर देना है, जैसे कि हम पुटपाक विधि से क्या करते हैं, पुटपाक विधि से यह स्वरस निकलता है, ठीक वैसी तरह वो बनाना है। स्वेदयित यानी कि फिर उसको अग्नि में स्वेदन करना है। उसको स्वेदन करने के बाद शोषयित आतपे अग्नि अर्कोहतो, उसके बाद वहाँ से निकाल के उसको सूर्य के धूप में सुखा देना है। ऐसा विकासिताम हो तो ऐसा विकासिताम, इस हिसाब से करने से क्या बेनिफिट होगा, उसका जो विकासी गुण है उसका नाश होगा। अब उसकी इफेक्ट मतलब उसमें कौन से गुण हैं दंती और द्रवंती में। तीक्ष्ण है यानी कि सार्प है, उष्ण
उष्णान्य आशुकारिणी, उसकी जो इफेक्ट है वो बहुत जल्दी आ जाती है, यानी कि आशुकारी। विकासिनी, विकासी गुण, यानी कि यत संधि बंधानी विमोक्षा तिथि विकासी, तो उसका विकासी गुण कम करने के लिए हम उसको पुटपक मेथड से उसका स्वेदन करते हैं और आतप शुष्क करता है। गुरुणीच, गुरु गुण युक्त होता है। विलायंती दोषोद्वो, यानी कि वो दो दोषों का विलयन करता है। मारुतम कोपयंती च, तीन दिशाओं में से वात का कोपन करता है, यानी कि प्रकोप करता है, तो बाकी का दो दोषों का विलयन करता है, यानी कि पित्त और कफ का विलयन करती है। यस, यहाँ पे खास दूर से ध्यान रखना है कि जो फार्मास्यूटिक्स प्रिपरेशन है वो संशोधन के कंटेक्स्ट से बताई गई है, तो जो भी प्रिपरेशन आएगी वो हम विरेचन के कंटेक्स्ट में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उसके फार्मास्यूटिक्स प्रिपरेशन है दधि आदि योग, तो दधि आदि योग तीन बताया है। दधि तक्र सुरामंडे पिंडम अक्ष समम तयो, तयो यानी कि उसका दंती और द्रवंती का जो मूल कल्क है उसका पिंड अक्ष समम, अक्ष यानी कि एक कर्स, अराउंड 10-12 ग्राम लेना है, उसका पिंड बना के आइधर उसको दधि के साथ पिलाना है और तक्र के साथ और सुरामंड के साथ पिलाना है संशोधन के लिए, विरेचन के लिए। तो ये हो गए दधि आदि तीन योग। अब आगे है प्रियाल आदि पांच योग, तो प्रियाल आदि पांच ड्रग बताए हैं। प्रियाल यानी कि जो हम चिरौंजी बोलते हैं या चारोली, उसका उसको लेना है प्रियाल। फिर है कोल, जो बदर की एक वेराइटी है, फिर बदर, पीलू, साल्वेडोरा पर्सिका, मिश्वाक जो बोलते हैं, और सिद्धू भी रहे, या फिर हमें सिद्धू लेना है कोई भी ड्रग का बनाया हुआ, और एक कर्स जो मूल कल्क है उसके साथ ये ड्रग को अनुपान के रूप में पिलाना है। कौन से डिजीज़ में? पीबित गुल्म उदर, यानी कि एब्डोमिनल लंप में, एब्डोमिनल जो 8 टाइप का उदर रोग दिखाया है उसमें पिलाना है। दोषे भीर अभिखिनश्च यो नर, यानी कि जिसके दोष का प्रकोप हुआ है, अभिखिनश्च यानी कि दोष के प्रकोप से जो शरीर आक्रांत है, खास करके पित्त और कफ के प्रकोप में, उसमें हमें पिलाना है। उसके बाद है मांस रसादि योग। गो मृग अजा रस है, यानी कि गाय के मांस रस के साथ, हिरण के मांस रस के साथ, अजा यानी कि बकरी के मांस के रस के साथ एक कर्ष मात्रा में उसका जो कल्क है वो पिलाना है। जब हमें पांडु में संशोधन करना हो तब क्रीमी कोष्ठ में, और पगंदर के डिजीज़ में। तो ये तीन हो गए हैं मांस रस योग। तो आज हमने सबसे पहले देखिए दधि आदि तीन योग, देन आफ्टर प्रियाल आदि पाँच योग, और ये हो गए मांस रस आदि तीन योग। अब देखते हैं स्नेह के तीन योग। तो तयो कल के कसायश्च, यानी कि दंती और द्रवंती का कल्क लेना है और उसका ही क्वाथ लेना है। जो दसमूल रसायुक्त है और दसमूल का भी क्वाथ लेना है हमें, जैसे आप पढ़ गए आप लोग भेषज कल्पना में, कोई भी स्नेह पक कल्पना करें हम तो उसमें 1/4 पार्ट कल्क लेते हैं, 1 पार्ट स्नेह लेते हैं, और उससे 4 टाइम्स जो क्वाथ रस होते हैं वो लेते हैं। तो यहाँ पे हम घृत पाक करने जा रहे हैं, तो 1/4 पार्ट दंती और द्रवंती का कल्क लेंगे, 1 पार्ट घृत लेंगे, और घृत से 4 गुना हमें कषाय लेना है। तो 2 गुना हम लेंगे दंती और द्रवंती का कषाय, और 2 गुना लेंगे हम दशमूल का कषाय, और उससे घृत का पाक करके हम कक्षा के डिजीज़ में, अलजी में, विसर्प में और दाह के कंडीशन में हम विरेचन के लिए पिलाएंगे। तो ये फर्स्ट स्नेह योग हो गया घृत योग। अब सेकेंड जो योग है वो तेल योग है। तो आगे जिसे पाक किया सेम वे 1/4 पार्ट दंती और द्रवंती का कल्क, 1 पार्ट तेल, 2 पार्ट दंती और द्रवंती का क्वाथ, 2 पार्ट दशमूल क्वाथ लेके स्नेह पाक मेथड से उसका क्वाथ बना के हम मेह यानी कि प्रमेह के रोगी में, गुल्म में, स उदावत उदावर्त में, और कफ अनिल यानी कि कफ और वात की कंडीशन से जो गुल्म और उदावर्त हुआ है उसमें हम विरेचन के लिए तेल योग देंगे। थर्ड वन है चतुस्नेह। आप लोग जैसे पढ़ गए हैं कि कोई एक का हम स्नेह लेते हैं तो उसको अच्छे स्नेह कहते हैं, 2 होते हैं तो उसको यमक, 3 होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, त्रिवृत बोलते हैं, और 4 को महास्नेह। तो यहाँ पे महास्नेह लेने हैं चतुस्नेह, यानी कि घृत, तेल, वसा, मज्जा, 4ों को लेना है और उसका पाक करना है। जैसे 1/4 पार्ट हमने कल्क ले लिया दंती द्रवंती का, और 4 स्नेह 1/4 1/4 लेंगे तो 1 पार्ट हो जाएगा घृत, तेल, वसा, मज्जा, और 4 पार्ट में 2 पार्ट दशमूल कषाय, 2 पार्ट हम लेंगे दंती द्रवंती का कषाय,
और उसका हम स्नेहपाक मेथड से पाक करके पिलाएंगे हम शकृत शुक्रवात संघ, यानी कि शकृत संघ जो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट है उसमें, शुक्र की डिफर्मिटी में जिसका अनुलोमन प्रॉपर नहीं होता उसमें, और अनिल अर्थिस्व यानी कि जो वात के डिजीज होते हैं उसमें हम पिलाएंगे। तो ये तीन हो गए स्नेह योग, बाकी के जो योग है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।